जैन धर्म, पर्वाधिराज, पर्युषण महापर्व, संवत्सरी, इन शब्दों को सुनने के बाद एक खास शब्द जो हम सभी के दिमाग में आता है वो है क्षमापना या क्षमा भाव। जैन साधु भगवंत दुश्मनी रखने वाले या वैर विरोध करने वालों को भी किस प्रकार क्षमा करते हैं, आइए जानते हैं कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कथा। दादा गुरुदेव के द्वारा व्यापक धर्म प्रचार, उनके उपदेशों, उनके प्रवचनों के कारण मायावी यतियों के कार्य में रुकावटें आने लग गई थी। उनको पूजने वालों में, भेंट देने वालों में भी कमी आ गई थी। तंत्र मंत्र की धमकियां भी बेअसर हो चुकी थी। यहाँ पर एक खास बात जानने जैसी है कि कर्म यदि बुरे हो तो भुगतने पड़ेंगे ही, और कर्मों में यदि कोई सजा भुगतनी लिखी हुई न हो तो किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुरु भगवंतों के प्रवचनों को सुनने के बाद कई लोग यंत्र तंत्र के डर से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ अरिहंत परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। दादा गुरुदेव के कारण मायावी यतियों का एक तरह से व्यापार रुक गया था, जिसके कारण उन यतियों ने बड़ा षड्यंत्र रचा। वे लोग किसी भी प्रकार से दादा गुरुदेव के कार्यों में विघ्न डालने का मौका ढूंढ रहे थे। एक बार शिवगंज राजस्थान में मेघाजी मोती जी और वन्नाजी मोती जी ने श्री ऋषभ देव जी का चौमुख जी जिनाले और श्री अजितनाथ दादा का जिनाले बनवाया था। इनका मुहूर्त विक्रम संवत 1945 के माघ मास में रखा गया। उत्सव के लिए बहुत बड़ा मंडप बनाया गया था। वहां पर 251 जिन प्रतिमा जी विराजमान थी। दादा गुरुदेव निर्धारित मुहूर्त पर कुछ क्रिया करवा रहे थे। इसी बीच पंडाल के एक कोने में धुआं सा उठता हुआ दिखाई दिया। आग की आशंका सोचकर जन समूह में भगदड़ सी मच गई। भक्त चिंतित हो उठे। मुनि मोहन विजय जी महाराज साहेब ने सारी बात गुरुदेव को बताई। स्थिति का आकलन कर गुरुदेव ने जन समुदाय को शांत रहने का आदेश दिया। एक मुट्ठी वासक्षेप लिया और उधर उड़ा दिया जहां पर आग लगी हुई थी। इसी के साथ ही दादा गुरुदेव कुछ मंत्र जपने लगे और अपने दोनों हाथों को मसलने लगे। कुछ ही समय में लोगों ने देखा कि एक यति भागता हुआ आया और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। वह अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। लोगों को वास्तविकता समझते देर नहीं लगी कि इसी यति ने पंडाल में आग लगाई है। लोग यति पर अपना गुस्सा उतारते इससे पहले ही गुरुदेव ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उस यति को अपने पास बैठा लिया। आग भी अपने आप शांत हो गई। पूरा कार्य समाप्त होने के बाद यति को जाने दिया। यदि गुरुदेव का संरक्षण न होता तो न जाने वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती। ऐसा कार्य करने वाले को भी दादा गुरुदेव ने क्षमा करने में देर नहीं लगाई। दुश्मनी वैर विरोध के प्रति भी क्षमा भाव उनके साधुवाचार का जबरदस्त प्रमाण माना जा सकता है। दादा गुरुदेव चाहते तो उस व्यक्ति को लोगों के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बदला लेना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब को हम वंदन करते हैं, और ऐसे गुरु भगवंतों की प्राप्ति जिन शासन को हर समय पर होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।